तो हेलो, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? तो चलिए हम आपको अपने सफ़र के बारे में कुछ बताते हैं। तो अभी हम अवध एक्सप्रेस 1938 जो ब्राउनी जंक्शन से चलकर बांद्रा जंक्शन मुंबई तक जाती है, अभी हम इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको चकिया बिहार से बैठेंगे और नगड़ा मध्य प्रदेश तक जाएंगे हम। तो आपको जो अलग अलग पार्ट में हम ब्लॉग बनाए हुए हैं उसमें का ये पार्ट वन है, जो आपको दृश्य इस वीडियो में आपको मिलेगा देखने को। ये आपको चकिया बिहार से पिपरा मोतिहारी नरकटियागंज वाल्मीकि नगर होते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर तक जाएगा। तो ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं, ये चकिया से पिपरा की ओर जा रही है ट्रेन हमारी। तो ये जो खेत खलिहान है, ये हम किसानों के बहुत काम आते हैं। तो आप इस सफ़र का आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए और मज़ा लीजिए। तो देख सकते हैं ये अब चकिया ख़त्म ही होने वाला है और पिपरा स्टेशन आ चुका है, जो बिहार में पड़ता है। यहाँ का पिन कोड 84 54 16 है और ये रहा आपका पिपरा स्टेशन। तो हम आपको स्लो मो करके दिखा रहे हैं, यही है पिपरा स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन खुलेगी तो फिर हम आपको थोड़ा सफ़र का व्यू दिखाएंगे और उसके बाद मोतिहारी आपको ले चलेंगे हम सीधा। तो बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन की, जो 1938 अवध एक्सप्रेस है, जो सुगौली से चलकर बांद्रा महाराष्ट्र मुंबई तक जाती है। तो आप अगर चकिया बैठते हैं तो सीधा आपको बापूधाम मोतिहारी ही रुकेगी, बट उस दिन कुछ प्रॉब्लम। देखिए ये मोतिहारी आ चुकी है और ये है आपका चंपारण सत्याग्रह ट्रेन को जा रही है और यही है मोतिहारी स्टेशन। अभी तो ट्रेन जा रही है, रुकने पे हम आपको जूम करके दिखाएंगे और कुछ जानकारियाँ भी देंगे। यहीं से जो सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुआ था, यहीं से शुरुआत हुआ था अपने बापू धाम मोतिहारी से। महात्मा गांधी ने यहाँ से आंदोलन शुरू किया था। तो चलिए हम आपको अब ले चल रहे हैं आगे। ये जो पश्चिमी चंपारण है उधर, तो ये आपको बेतिया का नज़ारा है, ये सब बेतिया में ही आता है। और हम वीडियो को फास्ट मूड करके चला रहे हैं क्योंकि आपका समय बचे और आपको नज़ारा देखने को काफ़ी मिले। और अभी इस टाइम समय हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी चकिया से वो 12 बजे थी, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट आई है तो इसी कारण अभी तक 2 बज चुके हैं। और अभी जो स्टेशन आने वाला है वो आएगा नरकटियागंज। तो देख सकते हैं ट्रेन काफ़ी स्पीड चल रही है। और ये जो बिहार है ना, बिहार की जो हरियाली है मुझे काफ़ी पसंद है और शायद आपको भी पसंद है। और हम तो कहेंगे कि आप लोग भी आके बिहार ही रह जाओ, एक बार बिहार रह लिए तो दोबारा नहीं जाओगे बिहार से। तो चलिए ये सब तो बातें होती रहेगी। और अभी हम सफ़र कर रहे हैं, हम हैं और हमारे दो मित्र हैं, जो हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। बट ये ट्रेन नगदा तक ही जाती है और वहाँ से हम लोकल ट्रेन पकड़ के उज्जैन जाएंगे और वहाँ महाकालेश्वर जाएंगे। और वहाँ मेरा एग्ज़ाम भी है और पहले भोले बाबा का दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से ओमकालेश्वर भी जाएंगे। तो अलग अलग पार्ट में हम वीडियो बनाए हैं और ये वाला आपको पार्ट वन है, वॉल्यूम वन, पार्ट वन, ब्लॉग वन, जो भी आप बोल लीजिए। और इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि हाई क्वालिटी में हम अपलोड करें। डाटा मतलब ये देखिए, यहाँ से 2-3 रूट कटता है, हमारे चौबीस जी का कहना है। बाकी रूट कहाँ जाता है चौबीस जी? देखिए यहाँ चिकित्सा वाहन है ये वाला, और देखिए अभी हम अपने पार्टनर को बुला रहे हैं। और ये है देखिए चौबीस जी एकदम पूरा बहुत पूरा फैली हुआ ऐस कर रहा है, डिब्बा पूरा खाली है बोगी। और मौसम काफी सुंदर है, इधर ट्रेन का डिब्बा लगा हुआ है और यही नरकटियागंज है, देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता था कि हम तीन मित्र हैं और यहाँ पे सिर्फ चौबे जी आपको नजर आ रहे हैं। तो चौबे जी अपने मित्र उजाला कुमार को बुला रहे हैं, जो चकिया के निवासी है और वो भी हमारे साथ इस सफ़र में है। और आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी सुंदर है, मुझे तो वो आसमान देख सकते हैं। और हम इस वीडियो को कुछ ज़्यादा ही फास्ट मोड में किए हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी वाल्मीकि नगर पहुंच जाए और आप लोगों को वाल्मीकि नगर का नज़ारा दिखाएं, वहाँ जंगल है। तो देखिए ये वाल्मीकि नगर आ चुका है।
तो यहाँ का जो नज़ारा है हम आपको बोर्ड भी स्लो मो करके दिखाएंगे कि आप पढ़ पाएँ कि यही वाल्मीकि नगर है। और देख सकते हैं भैया लोग जा रहे हैं और ये सामने बोर्ड, आपके सामने वाल्मीकि नगर का बोर्ड। बाकी आप लोग नज़ारा देखिए स्लो मो में। और ये है वाल्मीकि नगर का जंगल, और यहाँ पे कभी लिट्टी नहीं खरीदिएगा, नहीं तो गरम बोल के दो ठंडा दे देगा। दो ठंडा और दो गरम यहाँ पे दिया जाता है। देखिए किस तरह का से बिहार में ठगने का काम किया जाता है। देखिए किस तरह से दारू भी बिहार में बंद करके और किस तरह से घर घर पहुँचाने का काम किया जाता है। यही नीतीश सुशासन कुमार का सरकार है। जैसा कि आपको बताया ही गया है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन घर घर मिल रहा है दारू। तो हमें सरकार से निवेदन है अपने नीतीश चाचा से कि अगर दारू बंद किए हैं बढ़िया तरह से तो उस पर उसको रोक लगाइए, दारू अंदर बिहार में ना मिल पाए। ऐसे सिर्फ नाम के बंद करने से कुछ होगा नहीं, हमारे बिहार का विकास नहीं हो पाएगा इस तरह। तो कृपया रोक लगाएं और सरकार अगर टाइट हो जाए तो दारू आएगी ही नहीं, कहीं बिकेगी ही नहीं। प्रशासन की गलती, सरकार की गलती, सबकी गलती है। अब हम किस किस को दोषी ठहरा है। हम बस चलिए आपको, आप नज़ारा देखिए और व्यू देखिए और इसका आनंद लीजिए। हरे भरे पेड़, ये वाल्मीकि नगर है और ये नीचे नदी, क्या बताएं हम, ऊपर आसमान नीला नीला, पेड़ हरे हरे। और इतनी फास्ट मूड में किए हैं हम कि मत पूछिए, काफ़ी देर का वीडियो मैंने बनाया हुआ था और इतना कुछ आपके लिए किया जा रहा है गाइस। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो साउंड फुल कीजिए, भाभी को गाना सुनाइए। देखिए भाभी शर्मा रही है। भाभी हेलो बोलो तो। भाभी तो शर्मा रही है। देख सकते हैं हमें रात हो गई गोरखपुर आते आते, जो कि उत्तर प्रदेश की में पड़ता है, गोरखपुर जंक्शन है, जो हमारे मोतिहारी तरफ से ट्रेन आती है उसका मेन स्टॉपेज है ये। और यहाँ आते आते हमको लगभग रात को 7-8 बज चुका था। और हम इसके आगे का सफ़र अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको ब्लॉग पार्ट 2 देखना होगा, जो इसके बाद ही अपलोड होगा गाइस। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, धन्यवाद आप सभी का, लव यू ऑल और गुड नाइट।